इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नंदीग्राम बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। ममता बैनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि वो भवानीपुर को छोड़कर नंदीग्राम से ही चुनाव लड़ेंगी। ना सिर्फ ऐलान बल्कि ममता का दावा है कि वो अंत तक अपनी लड़ाई लड़ती रहेंगी। नंदीग्राम बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का गढ़ है। इस गढ़ में डायरेक्ट ममता सेंध लगाना चाहती है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने कल फिर ताल ठोकी है कि ममता को नंदीग्राम से तिगुने वोटों से हराएंगे। ऐलान हो चुका है, मैदान सज चुका है। भारत माता की चुका है कि पश्चिम बंगाल का सबसे भीषण सियासी युद्ध नंदीग्राम में होने वाला है। एक तरफ बंगाल की सबसे बड़ी स्ट्रीट फाइटर ममता बनर्जी हैं, तो दूसरी तरफ मुकाबले में होंगे नंदीग्राम संग्राम के हीरो शुभेंदु अधिकारी। এবং রাসবিহারী আমরা সেক্ষেত্রে দেবাশিস কুমারকে একজন নতুনকে নিয়ে আসছি। যেমন আমি আপনাদের বলি, দু একটা অতীন ঘোষ দাঁড়াচ্ছে। মালা শাহ শরীরটা একটু ভালো নয়, তাই মালা শাহ ওখানে অতীন ঘোষ বেলগাছে ওখানে দাঁড়াচ্ছে। राजनीति का असली खिलाड़ी वही होता है जो हाई रिस्क लेता है। 2007 के आंदोलन के बाद नंदीग्राम को ममता ने टच भी नहीं किया था। नंदीग्राम की पूरी राजनीतिक जागीर अधिकारी परिवार को सौंपी गई थी। शुभेंदु अधिकारी ने जब टीएमसी छोड़ी तो जनवरी में ममता बनर्जी ने 5 साल बाद वापस नंदीग्राम का रुख किया और जमीन बरकरार रखने के लिए बड़ी रैली की। ममता ने अब जब हाई रिस्क ले लिया तो उन्होंने बंगाल से लेकर दिल्ली तक चुनौती दे डाली। मैंने बोला पहले, अभी सब मीटिंग बोलता हूँ कि खेला होबे, देखा होबे, जीता होबे। अरे हिंदी से होते खेलेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। बोलो ना, 294 में 294 फेज में इलेक्शन करने के लिए। और बोल दो देश में जितना भी कश्मीर से करना तुम्हारी का, हिमाचल से बिंदापुर को जितना भी है ना, सब फोर्स को इधर भेज देने बोलो। उसमें भी अमित शाह नहीं कर पाएगा, नरेंद्र मोदी नहीं कर पाएगा। ये जनता का बात है, जनता को अविश्वास मत करो, जनता का विश्वास मत छोड़ दो। और बंगाल का जनता भारी कीमत से जिताता है। ममता के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद बंग की जंग का एक्सेस नंदीग्राम बन चुका है। हालांकि इसका ऐलान वो जनवरी की रैली में ही कर चुकी थी। तब शुभेंदु ने भी ममता के चैलेंज को कबूल किया था और कहा था कि ममता को 50,000 से ज्यादा वोटों से हराएंगे। नंदीग्राम से शुभेंदु चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इस बात का फैसला बीजेपी हाईकमान पर छोड़ा गया है। लेकिन शुभेंदु अब भी ये कह रहे हैं कि वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ें या ना लड़ें, लेकिन बीजेपी दीदी को 50,000 से ज्यादा वोटों से हराएगी। देखा मुख्यमंत्री निजेर केंद्र छेड़े पाला क्यों, कारण तो जा भोटे हारते ना, हमरा तार थेके तीन गुण भोटे कने हाराबो। नंदीग्रामे মানুষ আওয়াজ তুলেছে, মেদিনীপুরের ভূমিপত্রকে চাই, বহিরাগত নয়। নন্দীগ্রাম পর মমতা ব্যানার্জি নে সবসে বড়া দাব খেলা হে। মমতা 10 সাল সে সাউথ কলকাতা কে ভবানীপুর সে বিধায়ক হে। ये उनकी परंपरागत सीट है जहां उनकी जीत की गारंटी है। लेकिन नंदीग्राम में ममता को मेहनत करनी पड़ेगी। अपनी ही पार्टी की ममता सबसे बड़ी स्टार है। ऐसे में अगर वो नंदीग्राम में जीत के लिए ज्यादा फोकस रहेंगी तो दूसरी सीटों पर इसका असर पड़ सकता है। बीजेपी मानकर चल रही है कि तीर निशाने पर लगा है, लेकिन भवानीपुर सीट छोड़ने पर बीजेपी ममता को भगोड़ा कह रही है। ममता बनी भगोड़ा है, वो अपना चुनाव क्षेत्र छोड़ के भाग गए। तो ये ममता बनर्जी का जो दिमागी फितरत है वो खराब हो चुका है। नॉर्थ बंगाल ममता बनर्जी के लिए पहले ही वाटरलू साबित हो चुका है। अब साउथ बंगाल और आर बंगाल का जग भारी है, यहाँ भी हो जाएगा। देखिए, भवानीपुर से वो हारने वाली थी, उस डर से वो वहाँ गई है और वहाँ पर भी हारेगी, और वहाँ से जो भी भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार लड़ेगा वो हराएगा। नंदीग्राम से ममता दीदी को हराएंगे। शुभेंदु अधिकारी जी अगर वो खुद वहां से लड़ेंगे तो भी 50,000 से हराएंगे, ऐसा कहा है उन्होंने।
नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।